नेटवर्क का मतलब क्या होता है भगवान, नो जी फॉर जनरेशन, वो फॉर ऑपरेटर, डी फॉर दिस ट्राइब। क्या बात है, यहाँ से महेश दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सिर्फ महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों सिमेट्री देखिए क्या क्लासिक है। और ये पिलर सारे के सारे एकदम सिंक्रोनाइजेशन में है, ऊपर जो पेंटिंग की गई थी ये पुर्तगालियों ने इसकी अस्तेजी कर रखी है, बहुत ही प्यारा। और मुंबई जो कि सपनों का शहर है, आप पहुँचाओ, मैं अभी यहाँ मुंबई में और आप मेरे साथ इस वीडियो में आप देखोगे कहाँ कहाँ मैं जाने वाला हूँ, फुल टूर होने वाला है एक मुंबई का, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मुंबई में कौन से बेस्ट प्लेसेस है जहाँ पे आप जा सकते हो, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं नंदन, छोटे से वर्ल्ड एंड में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुंबई का दर्शन करते हैं। सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ द गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पीछे में है। ये मोस्ट आइकॉनिक प्लेस है मुंबई का, जहाँ पे आप आ सकते हो और बहुत बेहतरीन लगता है ये सामने का सी बीच और ये सामने गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई की शान है। और मुंबई की शान के जस्ट बगल में इधर ताज होटल है, जो भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। रतन टाटा का ये ताज होटल कहना नहीं पड़ेगा, बहुत ही औसम लग रहा है। आप यहाँ पे आओ, फोटो वगैरह क्लिक करवाओ। और अब यहाँ से मैं जाने वाला हूँ एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव के लिए मेरे को यहाँ से फेरी से जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं एलिफेंटा केव। सो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ एलिफेंटा केव। तो एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से वहाँ पर आपको फेरी मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 225 रुपए है। तो और डेढ़ घंटों का सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो पानी वगैरह और सब कुछ अपना खाने का लेके जाते चलें। तो चलिए चलते हैं फेरी से। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक का आपका ये फेरी का सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो नज़ारे दिखते हैं यार, चारों तरफ पानी ही पानी, और इस बीच में आपको साइबेरियन बर्ड आपको दस्तक देती है और दस्तक देकर के बोलती है मुझे कुछ खिलाओ, और खिलाते रहो। अगर आप उसे खिलाते रहोगे तो वो आपके पीछे आता रहेगा, और आप उसे खिलाते रहोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, और आपका सफ़र कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो फाइनली दोस्तों, डेढ़ घंटे के बाद मैं यहाँ एलिफेंटा केव में पहुँच चुका हूँ, और अब यहाँ से कुछ दूर पैदल चलना है, और ट्रेन का भी एक ऑप्शन है, तो चलिए वहाँ पे पता लगाते हैं कि आखिर उसका फेयर कितना है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे टिकट काउंटर है, और इधर टॉय ट्रेन आ चुकी है, जिसका फेयर 10 रुपये है, और 10 रुपये देकर के आप कुछ दूर है वहाँ तक जा सकते हैं। हालांकि गर्मी बहुत है, इसलिए मैं पैदल जाना पसंद नहीं करूँगा। तो अब मैं हूँ टॉय ट्रेन पे, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं यहां एलिफेंटा केव, और यहां पे एक छोटी सी मार्केट है जहां पे कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा डेकोरेटिव पीस वगैरह है, और कुछ खाने वगैरह का भी है, तो आप यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर मैं अभी जा रहा हूं डायरेक्ट एलिफेंटा केव देखने के लिए। सो दोस्तों, यहाँ पीछे में एक एंट्री टिकट लग रहा है लगभग 5 रुपये का, तो आप वो एंट्री टिकट दे करके आप फिर अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ, और यहाँ पे और एक टिकट काउंटर है जो कि एलिफेंटा केव का ही अंदर घुसने का, तो ये लगभग 40 रुपये का। तो अब चलिए, अब मैं ये पे करके मैं अंदर जाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ एलिफेंटा केव में। तो आप यहाँ जब भी आएँ, तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर एक गाइड ज़रूर ले लें। तो अभी मेरे साथ है यहाँ पर कृष्णा सर, ये मुझे अच्छे से गाइड करेंगे कि आखिर ये एलिफेंटा में केव में क्या क्या है, और इतना सारा आर्ट जो है वो उसका मीन्स डिस्क्रिप्शन में फुल डिटेल में मेरे को आज समझ में आने वाला है कि आखिर क्या क्या चीज़ है। तो सर, आप अपना नाम बता दीजिए और हमारे व्यूअर्स को ज़रा बता दीजिए कि आप कैसे गाइड मिलेगा, और आपका नंबर वगैरह कुछ हुआ तो बता दीजिए। हम प्रॉपर यही रहते हैं एलिफेंटा में। एक्चुअली इसको एलिफेंटा नाम की वगैरह पुर्तगाली लोग जब आइलैंड में लैंड हो गया, पत्थर का हाथी मिला, जैसे पत्थर का हाथी बम्बे में शिफ्ट किया, इसी नाम से इसको बोलते हैं एलिफेंटा। इसका उज नाम है घारापुरी, घारापुरी यानी घेरा हुआ टापू द्वीप। अच्छा, तो सर आपका नाम कृष्णा हो गया। हाँ, तो सर आप अपना फ़ोन नंबर ज़रा बता दिए, जैसे मेरे व्यूअर लोग यहाँ पे आएंगे तो। 9869315769 ये मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी कांटेक्ट कर देगा तो हम यही गुफा के अंदर मिलेगा। अरे वाह, आप गुफा के अंदर तपस्वी हैं क्या?
चलिए सही लगा आपसे मिल के, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप चलिए आपके साथ मैं चलता हूँ और आप मुझे सब कुछ बताइए, और फ़ोन नंबर आपके डिस्प्ले में भी आ रहा होगा तो आप उसे नोट कर सकते हैं, और फ़ोन वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। आपका एलिफेंटा में स्वागत है। इसको एलिफेंटा नाम क्यों गिरा? पुर्तगाली लोग जब ये आइलैंड में लैंड हो गया ना, यह पत्थर का हाथी मिला, यहाँ से पत्थर का हाथी बेमेक सेट किया विक्टोरिया गार्डन भाईकला, मालूम है भाईकला CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो यहाँ से वो एलिफेंट वहाँ शिफ्ट किया, इसी नाम से इसको बोलते हैं एलिफेंटा। इसका ओरिजिनल नाम है घारापुरी, घारापुरी यानी घेरावा द्वीप, आइलैंड है, चारों बाजू पानी है, तो ये पूरा एक ही पहाड़ काट के बना, आउट ऑफ वन सिंगल रॉक। इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक। बेसिकली अपन कंस्ट्रक्शन चालू करता है नीचे से, ये कंस्ट्रक्शन ऊपर से काट काट के अप टू डाउन इन टू आउट। ये रॉक को बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। जब वोल्केनिक जब मेल होता है उसका लावा होता है, लावा ठंडा होने के बाद इसके अंदर ऑटोमेटिक लेयर्स आते हैं, ये लेयर्स है। ये जो मंदिर बना है छठी और सातवीं सन में 6th-7th century राजा था सेकंड पुलकेशन, एक कर्नाटक का राजा था, शिव का बड़ा भक्त था, ऐसा 8 पीढ़ी ने काम किया, 8 डायनास्टिक, छोले बदामी हर्षवर्धन राष्ट्रकूटा मौर्य, एक आदमी तो नहीं कर सकते। तो यहाँ में शिवजी डांस करते हैं, नटराज कौन है ये है नटराज, इसको बोलता है कॉस्मिक तांडव नृत्य। ये ड्रम चालू होने के बाद शिवजी का डांस चले थे, शिवजी के दो बेटे गणेश जी और कार्तिक स्वामी। आप साउथ में जाएगा ना, साउथ में जाएगा ना तो ज़्यादा कार्तिक स्वामी की ज़्यादा पूजा होता है, महाराष्ट्र में विनय की पूजा होती है। बाजू में ऋषि मुनि मेनका है, ब्रह्मा को देखो 4 हेड हो, 1, 2, 3, 4, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं GOT, गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है? जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जैसा लव महेश, इसको होता है त्रिदेव। जैसा लव का डिविजन होता है येलो, येलो का डिविजन क्या होता है? लैक ऑफ टीयर्स, ओशन ऑफ फायर्स, वैल्यू टू एंड ऑफ लाइफ, गुड। ये शिवजी की वाइफ पार्वती है और ऊपर में देवी देवता आश्रय, तो भगवान ही के अलग अलग अवतार है, पालन पोषण करने वाला वही, सहारा करने वाला वही, नाश करने वाला वही। ओके, ये शिवलिंग है, जय बोले जी। हमें हर साल में महाशिवरात्रि में पूजा होती है लॉर्ड शिव जी की, सिर्फ महाशिवरात्रि में, क्योंकि दिस इज नॉट टेम्पल, दिस अ केव्स। केव्स में डेली पूजा होती नहीं, टेम्पल में डेली पूजा होती है, क्योंकि डेली पूजा होने के बाद दिस कल्चर पर डेमोलिश, पानी दूस से मूर्ति को क्रैक जाता है। देखिए यहाँ में देखा है शिवा किलिंग टू डीमन अंधका, ये अंधका नाम के राक्षस जो होते हैं पूरा ब्लड ये कटोरे में जमा देते, इसका एक ही ब्लड का बूंद नीचे जाएगा तो 1000 राक्षस रिबॉर्न हो जाएगा। इसका मतलब रक्त बीज, देखो रक्त बीज किया था काली ने, तो इज मोर डिमन विल क्रिएट। इसलिए शिवजी ने गले में मुंड माला पहने, ये जो शिवजी का है ना रूप, ये रुद्र रूप है, रुद्र एंग्री, तलवार से मुंडका कटा के पूरा ब्लड ये कटोरे में जमा देते, तो भगवान ही किया है, बड़ा अलग अवतार है, पालन पोषण करने वाला वही, सहारा करने वाला वही, नाश करने वाला है। क्या लोग अतुल्य भारत, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको हम बोलते त्रिदेव, क्रिएटर प्रिजर्वर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का टेम्पल आपको एक मिलेगा पुष्कर में, क्योंकि ब्रह्मा जी की ज़्यादा पूजा, हाँ तो ब्रह्मा जी की ज़्यादा पूजा हुआ होती नहीं। विष्णु के हाथ में लड्डू है, शिवा के हाथ में सांप है। ये देखो यहाँ में शिव और पार्वती ने दो रूप रंगे, अर्ध नारी, इसको हम इंग्लिश में बोले हेर्नोफ्रोडाइट, क्या बोला बोलते हेर्नोफ्रोडाइट, शिव और शक्ति साथ में। आप कहाँ भी मंदिर में जाइए, नंदी की पूजा होने के बाद आप महादेव जी की पूजा होता है, ऊपर में देखो इंद्र भगवान बैठे आ रहे थे और नीचे कार्तिक स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु है, इसे वकील सोना है, एक हाथ में शीशा है, एक हाथ में कंगन है, गरुड़ ने उसको कैरी किया चक्र है, और नीचे दासी है उसका मेकअप रखा सामान ज्वेलरी बॉक्स बट है ना, वो टाइम में गोली चला देते भाई, गोली उसका फंसा हुआ। अच्छा अच्छा, ये गोली है, ये सब गोली की छेद, वो लोग सब डिस्ट्रॉय किए, बहुत कोशिश किया गोली से, खंडित किए। ये जो है ना, इसको बोलते चंद्रशिला, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर, क्या पत्थर ही होता है, तो आपको लगे शिला की जवानी नहीं ना। नहीं, नहीं। पहले लोग यहाँ से आते थे, यहाँ से लोग आने के बाद लोग पहले ओपन था ये, नाउ दे क्लोज इट, पहले ओपन थे पीपल, व्हेन दे एंटर द वर्शिप ये वाज नंदी, नंदी की पूजा होने के बाद लोग महादेव जी की पूजा। अभी देखिए ये शिवलिंग और ये शिवलिंग 90 degree में देखो है ना, हमारे हिंदू में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा होती नहीं, आधी होती है, जो भी अब दूध डलता है, जो दूध फ्लो होता है तो हम आधे से बाहर आते हैं, उसका बोले योनी, शिव लिंग, लिंग इन व्हाट, पीनट्स। शिव और पार्वती कैलाश मंडप बैठे, कैलाश नीचे रावण है, आपको रावण जो था वो शिव का बड़ा भक्त था, हाँ ना, का बहुत भक्त था, बट उसको ज़्यादा अहंकार होता है, ईगो कि मैं पूरा हिमालय उठने चले, लेकिन उठा पाते नहीं, कि जब उठाने को जाते तो शिव जी अपना पैर का उंगला दबा के उसको नीचे दबा देते, इसलिए शिव जी ने दो आदमी का बाल पकड़ा बैलेंस के लिए, पकड़े ना बाल, एक गणेश जी है या पार्वती। दोस्तों यहाँ पे आ करके यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका है, कहना नहीं पड़ेगा, मेरा आँख तो खुला ही रह गया, क्या ऑसम कैब है, बहुत सुंदर है, मतलब कहना नहीं पड़ेगा, मैं तो सोच के दंग रह चुका हूँ कि आखिर एक पहाड़ को काट करके ऐसा कैब कैसे बना जा सकता है, इतना ऑसम आर्ट कहना नहीं पड़ेगा, मतलब इतना बड़ा बड़ा शिवलिंग है और शिव का मूर्ति है और इतना अच्छा
और इतना डीप मीनिंग इसका हिस्ट्री है। और यहाँ का खूबसूरती आप लाख मोबाइल पे देख लो, चाहे कुछ कर लो, यहाँ पे आने से वो खूबसूरती दिखता है, ना कि मोबाइल में आपको देख करके उतना पता चलने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर से ज़रूर आएँ, अपना टाइम लेकर के आएँ, क्योंकि लगभग आपका पूरा दिन चला जाएगा यहाँ पे आ करके। सो दोस्तों, एलिफेंटा का यह मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा औसम था, बहुत मज़ा आया आज मुझे। और रिटर्निंग टाइम आप जब आते हो फेरी से, तो गेटवे ऑफ इंडिया सनसेट के टाइम पे और ताज होटल जो दिखता है इस वक्त, कहना नहीं पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है। और नज़ारे यार स्पीचलेस। आज के ये सनसेट को एंजॉय करने के लिए मैं आया हूँ मरीन ड्राइव, जिसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक राउंड शेप में है, मीन्स सी टाइप दिखता है। और सनसेट को यहाँ पे एंजॉय करने का वो मतलब मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है। ये एक वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे वॉक करते रहें और सनसेट को एंजॉय करते रहें, यहाँ पे बैठें, इस समुंदर को देखें, और नज़ारे यार तो कहना नहीं पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है। और सनसेट के वक्त तो बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप आ सकते हो, और एक दो घंटा आपका बहुत ही इजीली निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकल गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रश रहता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो सनसेट के बाद, ये एक अच्छा बेस्ट प्लेस है। सो उम्मीद दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़ोरदार लाइक दे दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो मैं आपको मिलूंगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।